वेलकम टू आवर YouTube चैनल। आपका अपने YouTube चैनल बैक टू बेसिक्स में स्वागत है। तो आज हम ज्योग्राफी की जो हमारी वीडियो नंबर 6 होगी, एक नया चैप्टर है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्वेश्चन आएंगे कि किस सीमा तक भारत अपने संसाधनों का दोहन कर सकता है, ठीक है, समुद्र में कहाँ तक भारत का अधिकार है, किस रेखा तक जो कि सीमा शुल्क है, वो शुल्क जो होता है कस्टम ड्यूटी, वो किस सीमा तक वसूली की जाती है कि उससे बाहर नहीं की जा सकती। तो ये सारे चीजों का हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर एक काफी कॉन्ट्राडिक्ट चला कि भाई समुद्र में किस देश का कहां तक अधिकार है। तो इसी के रिगार्डिंग UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ठीक है, इस पे एक समझौता हुआ जो कि 1982 में हुआ। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1982 में इसमें समझौता हुआ, ठीक है। तो समझौता क्या था? समझौता भाई ये था कि कौन कौन सा देश कहां तक अपनी सीमा कहां तक है, किस देश को अधिकार कहां कहां तक है समुद्र में, इसी के रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ठीक है, इसमें सारी चीजें डिस्कस की गई। अब देखते हैं, देखो अभी ध्यान से समझते हैं। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी क्या है, समुंदर जो धरातल है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है, जो हमारा मान लो ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, ये ऐसा नहीं है, यानी बिल्कुल सीधा तो है नहीं। कैसा है हमारा ऐसा है, ऐसे होगा, फिर कहीं पे ऐसे है, इस टाइप का है। तो क्या है जहां पे ये ऐसा है, यहां पे इन्होंने क्या किया, इसको यहां से लेके एक रेखा ऐसे खींच दी गई बिल्कुल सीधी ऐसे, ठीक है, सेम यहां पे एक रेखा ऐसे खींच दी गई, राइट। और इसको माना गया आधार रेखा, यानी जो भी डिस्टेंस होगा वो आधार रेखा से माना जाएगा, आधार रेखा से कैलकुलेट होगा, ठीक है। आधार रेखा क्या है, जो कट कहीं पे ये तट है, कटे पट्टे कहीं पे ऐसे होते हैं, ठीक है, इनको सभी को एक लाइन में लाने के लिए एक लाइन बेसिकली खींची जिसको कि आधार रेखा कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा है क्योंकि समुद्र में रेखा तो खींची नहीं जाएगी, लेकिन काल्पनिक तौर पे माना गया ये आधार रेखा है। आधार रेखा और इस इलाके में ये आधार है और यहां तक ये आधार है और वैसे ये सीमा है, इसके बीच के जल को कहा जाता है आंतरिक जल, इसको कहा जाता है आंतरिक जल। अब बात करते हैं कि पूरा कि कैसे कैसे अभी डिस्टेंस मापा जाता है और कैसे मापा जाता है। सारा डिस्टेंस आधार रेखा से मापा जाता है। जो पहली जो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील यानी समुद्र नॉटिकल यानी समुद्री मील डिस्टेंस पर किससे, आधार रेखा से 12 समुद्री मील पर पहली रेखा है जिसको क्या कहे जाते हैं, प्रादेशिक रेखा, ठीक है, यानी यहां से इससे ये तो होगी आपकी आधार रेखा, ध्यान से सुनना, ये तो होगी आधार रेखा, इससे आगे यहां पे ये हो गया मान लो 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील, सेम गोज फॉर हेयर, ये यहां पे ये होगा, ये लगा दो। तो ये 12 जो नॉटिकल मील है समुद्री मील है, यहां तक प्रादेशिक सीमा रेखा है, यानी आधार रेखा के बाद आधार रेखा, सपोज करो ये आधार रेखा में खींची, इसके इस तरफ 12 समुद्री मील, यहां पे भी 12 समुद्री मील, वहां पर एक रेखा है जिसको क्या माना गया है, इसको माना गया प्रादेशिक रेखा। यहां से आपको समझ में आ गया होगा, ये माना गया है प्रादेशिक रेखा, ठीक, प्रादेशिक रेखा तक संपूर्ण अधिकार है भारत का, यानी यहां पे ये कुछ भी करे, यहां तक संपूर्ण अधिकार है, क्या है यहां पे, संपूर्ण अधिकार। अभी क्वेश्चन आता है कि एक नॉटिकल मील एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो भाई एक नॉटिकल मील होगा ना, तो एक समुद्री मील एग्जाम में आ चुका है ये,
1.8 किलोमीटर होते हैं, याद रखना 1.8 किलोमीटर। कितने किलोमीटर होते हैं? 1.8 किलोमीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में ये आ चुका है। अभी क्या होता फिर यहां पे 12 के बाद यहां पे टोटल आधार से टोटल 24 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है 24 किलोमीटर की दूरी पे एक और रेखा होती है जिसको क्या कहा जाता है, दूसरे नंबर पे आता है संलग्न रेखा, संलग्न रेखा या संलग्न अक्षेत्र, ठीक है संलग्न अक्षेत्र। यहां पे क्या होता है, इस अक्षेत्र में यहां से यहां तक जो कि सीमा शुल्क, जो मैं सुना होगा ना सीमा शुल्क, वो यहीं पे वसूल की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन याद आता है कि सीमा शुल्क कितने डिस्टेंस तक या कहां तक वो वसूल की जाती है, ठीक है। तो और यहां तक जो जितने भी वित्तीय अधिकार हैं, जो कि वित्तीय अधिकार हैं, वित्तीय अधिकार भी यहां तक हैं 24 नॉटिकल मील तक, ठीक है इतनी यहां तक डिस्टेंस संलग्न आधार रेखा से संलग्न रेखा की दूरी टोटल 24 मील हो जाती है, ठीक है 24 समुद्री मील। वित्तीय अधिकार भी है, सीमा शुल्क अधिकार भी है, प्लस साफ सफाई का अधिकार भी है, ठीक है साफ सफाई का भी अधिकार है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि 12 और फिर आगे 12, टोटल 12 आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी समुद्री मील की दूरी कहलाती है प्रादेशिक रेखा, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील कहलाएगी संलग्न रेखा, ठीक है सीमा अक्षेत्र जिसको कहते हैं, सॉरी संलग्न रेखा होती है जिसके अंदर की सीमा शुल्क, वित्तीय अधिकार और साफ सफाई का अधिकार यहां तक होता है। अब आती है 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील यहां से यहां तक, इसको कहते हैं अनन्य अक्षेत्र, ठीक है अनन्य अक्षेत्र, इसको क्या कहा जाता है अनन्य आर्थिक अक्षेत्र, अनन्य आर्थिक अक्षेत्र, सॉरी अनन्य आर्थिक अक्षेत्र EEZ कहते हैं इंग्लिश में EEZ। यहां पर क्या होता है, यहां से ये इसकी दूरी होती है 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील यानी यहां तक भारत का अधिकार है। और इसमें हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ जो कि यूनाइटेड नेशन ने फिक्स किया, यूनाइटेड नेशन की एग्रीमेंट हुआ था जो इसमें फिक्स हुआ है, यहां तक हम क्या कर सकते हैं, हम द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, हम अपना जो भी संसाधन है, ठीक है यानी समुद्री जो प्राकृतिक समुद्र में काफी रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का भी, उन सभी रिसोर्सेज का भी हम यहां पे दोहन करते हैं, यानी इस इतनी सीमा तक 200 नॉटिकल मील तक हम उनका दोहन भी करते हैं, ठीक है। और यहां पे वैज्ञानिक, कोई भी वैज्ञानिक एक्टिविटी भी होती है, वैज्ञानिक एक्टिविटी भी होंगे, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये जाना है, देखो आधार रेखा से भाई पहली चीज क्या जानी है कि समुद्री एक नॉटिकल मील, एक समुद्री मील होता है 1.8 किलोमीटर, क्वेश्चन आज आ गया है एग्जाम में और आ चुका है और आएगा, ठीक है ये आपने जान लिया है। उसके बाद क्या होता है, एक आधार रेखा मानी जाती है क्योंकि हमारा तट कटा पटा है कहीं पे, तो इसको एक सीधी करने के लिए एक आधार रेखा मांगी गई है। आधार रेखा कैसी, आधार रेखा के अंदर और जो कि तटों तक जो जल होता है उसको आंतरिक जल कहते हैं। सारी डिस्टेंस एक काल्पनिक आधार रेखा से मानी जाती है, आधार रेखा काल्पनिक रेखा होती है। आधार रेखा के 12 किलोमीटर बाहर तक यानी 12 समुद्री मील तक वहां पर प्रादेशिक रेखा होती है, जहां पर प्रादेशिक अक्षेत्र है वो बेसिकली, जहां तक कि संपूर्ण भारत को अधिकार है। उसके बाद 24 किलोमीटर तक, 24 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक भारत में क्या है कि सीमा शुल्क, सीमा वसूली जो की जाती है वो वहां पे की जाएगी। साफ सफाई का अधिकार है, सीमा शुल्क का मैं आपका ये लगा लेना कि वित्तीय अधिकार वहां तक है। फिर टोटल आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक
वहां पर क्या क्या होता है, भारत वहां तक संसाधनों का दोहन कर सकता है, द्वीपों का निर्माण कर सकता है, और जो कि वैज्ञानिक एक्टिविटी है वो कर सकता है। तो ये चीजें थी सारी ओवर ऑल मिला के जो हमने एक एक चीज करके डिस्कस की। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या था कि आगे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनके बारे में मैं डिस्कस करते हैं कि क्या है। पहले मैंने आपको कहा था कि खाड़ी क्या होती है। खाड़ी इंग्लिश में क्या होती है, बे, और इंग्लिश में बे भी कहते हैं और गल्फ भी कहते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है बे और गल्फ में? देखो खाड़ी होती है, खाड़ी वो होता है, ठीक है, वो भूभाग, इनको समुद्र, समुद्र का जो भी क्षेत्र होगा वो तीनों ओर से भूभाग से घिरा हुआ हो वो खाड़ी कहलाती है। ठीक है, जैसे देखो ये है, यहाँ पे खंबात की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी है। देखो एक तरफ से यहाँ पे जो पानी होगा, एक तरफ से समुद्र का पानी यहाँ से गिर गया, यहाँ से गिर गया और यहाँ से गिर गया। ठीक है, यानी वो क्षेत्र जो तीनों तरफ से, वो समुद्र का एक क्षेत्र जो तीनों तरफ से भूभाग से घिरा हुआ हो खाड़ी कहलाती है। बे एक बड़ा भाग होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल बहुत बड़ा है। ठीक है, गल्फ छोटा होता है, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ोगे इसको क्या कहेंगे, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद मैंने आपको पूछा था, जैसे हमने जल संधि पढ़ा था, जल संधि, भाई जल संधि क्या होती है? ठीक है, अभी देखो जल संधि क्या है, देखो ये यहाँ पे है रामेश्वरम। ठीक है, यहाँ पे है रामेश्वरम, रामेश्वरम के दक्षिण में यहाँ पे ये तो है मन्नार की खाड़ी और यहाँ पे पाक जल संधि। भाई अब बात करते हैं, यानी रामेश्वरम के उत्तर में पाक जल संधि है और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। अब जल संधि क्या होती है, जल संधि वो होती है वह संकरा समुन्दर जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ता है वह जल संधि कहलाता है। यानी ये भाई या तो आप कहते हैं मन्नार की खाड़ी या अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जो जोड़ता है वह जल संधि और पाक जल संधि है। पाक जल संधि उसे ही कहते हैं। वह संकरा समुन्दर जो बड़े दो समुद्रों को जोड़ता है उनको जल संधि कहते हैं। अब बात करती है चैनल। हमने पढ़ा था भाई चैनल कि 8 डिग्री चैनल कहाँ पे है, 8 डिग्री चैनल कहाँ पे है, 9 डिग्री चैनल कहाँ पे है, ये चीज हमने पढ़ी थी। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अब चैनल होते क्या है, चैनल का यही है, वह संकरा समुन्दर जो दो द्वीपों को आपस में जोड़ता है, क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भाई आपने ना शेयर करना बहुत कम कर रखा है, कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।